शहर में बकरी चोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने डीपी दस्ते के पुलिस ने कल नागपुर के गिरोह को तीन कुख्यात चोरों को 7 बकरियों और एक वाहन के साथ गिरफ्तार किया। डीपी की टीम ने आरोपी को मारुति सुजुकी कार के साथ गिरफ्तार किया और 3,33,000 रुपए के मुद्देमाल जब्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिंगनघाट के गौतमवाड़ निवासी इमरान खान का दरखार ने 2 दिन पहले अपने पास मौजूद 7 बकरियों की चोरी के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। इमरान खान की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले पर कड़ी नजर रखी और पुलिस को खबरियों ने सूचित किया कि आरोपी वडनेर रोड पर एक सफेद मारुति कार में बकरी के साथ हिंगनघाट की ओर निकल पड़े हैं। सूचना मिलते ही हिंगनघाट पुलिस की डीबी टीम ने जाल बिछाया और आरोपियों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर नांदगांव चौक से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रंजीत घनश्याम सिंह चौहान पार्वती नगर नागपुर, धर्मवीर चौहान शशिकांत सोसाइटी गोरेवाड़ा नागपुर के निवासी और मोहम्मद जुबैर खान मोहम्मद जब्बार खान लालगंज दही बाजार नागपुर को 7 बकरियों के साथ गिरफ्तार किया। उसने पुलिस के सामने आते ही अपराध कबूल कर लिया और हिंगनघाट पुलिस को सूचित किया कि गिरोह ने यवतमाल वर्धा और नागपुर जिले में इससे पहले भी कई अपराध किए हैं। तालुका में कई जगहों पर किसानों की गाय और भेड़े चोरी हो रही है और चरवाहे भी शिकायत नहीं करते थे। ये चोर इसी बात का फायदा उठा रहे थे। सदर कार्यवाही पुलिस अधीक्षक प्रशांत होड़कर साहेब वर्धा, महेश मोरे अपर पुलिस अधीक्षक वर्धा, भीमराव टेढ़े उप विभागीय पुलिस अधिकारी हिंगनघाट, पुलिस निरीक्षक सत्यवीर बंडीवार पुलिस स्टेशन हिंगनघाट, इनके मार्गदर्शन में डीबी पथक हवलदार शेखर डोंगरे, पोहवा गजानन काड़े, नापोशी सचिन खेवंदे, सुहास चांदोरे, विशाल बंगाले, नीलेश तेलरांधे, गजानन कोमठाने, मोशी सचिन भारस्कर, प्रशांत वाड़खेड़े, उमेश बेले, इन्होंने की है। हिंगनघाट से रवि येलोरकर की रिपोर्ट, NBCN न्यूज के लिए।